याकूब 3:17 पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मेलमिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेलमिलाप के साथ बोया जाता है। नीति वचन 9:10 यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। प्रिय मानमिन के सदस्यों, आज का संदेश अच्छे से पढ़ाई करने के भेद का चौथा भाग है। पिछले भाग में मैंने बताया था कि पढ़ाई में अच्छा होने के लिए एक विद्यार्थी का अच्छा आईक्यू लेवल और एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, परंतु जो परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास करते हैं उनके लिए वो परिस्थितियाँ लागू नहीं होती और केवल कुछ ही शर्तें हैं जो पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करने के भेद संदेश का प्रचार करने का कारण यह है कि वो विद्यार्थी जिनके पास शारीरिक परिस्थितियों की कमी है, जैसे कि अच्छा आईक्यू लेवल और एक अच्छा वातावरण, वो भी परमेश्वर में विश्वास करने के द्वारा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मानमिन के विद्यार्थियों और सदस्यों, अब मुझे विश्वास है कि पढ़ाई करते समय आप वातावरण की परिस्थितियों पर आसानी से काबू पा सकते हैं, बल्कि हमेशा यह आसान नहीं है। क्या आप सफल होते हैं जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और अपनी किताबें खोलते हैं? आप 10 मिनट बैठने पर बेचैन होना शुरू हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं और अपने डेस्क पर रखी चीज़ों से खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरों की तरह संडे स्कूल के सत्र में प्रचार करने का समय 7 मिनट है। यह इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चे 7 मिनट से ज़्यादा अपना ध्यान संदेश की ओर नहीं लगा पाते। 7 मिनट के बाद वो बेचैन होना शुरू हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी हमारी कलीसिया में, मैं पूरी तरीके से निश्चित तो नहीं हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे संडे स्कूल में मेरा प्रचार करने का समय लगभग 15 से 20 मिनट है। और क्या हमारे मानमिन के बच्चे 7 मिनट के बाद बेचैन हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब आप इन बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार सही तरीके से पढ़ाते हैं तो वो उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्हें लंबे संदेशों की आदत नहीं है, वे केवल 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। वो बाहर जाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं और लगातार बाथरूम जाते हैं। मुख्य संदेश पर वापस आते हैं। विद्यार्थी बेचैन होकर विचलित हो जाते हैं और उनकी उंगलियां उनके लैपटॉप पर पहुंच जाती है। जल्दी ही वो अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर खेलने लग जाते हैं। कुछ माता पिता हैं जो बच्चों पर निगरानी रखते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो टीवी देखते हैं और गेम खेलते हैं वो उन्हें जल्दी से छिपा देते हैं, और जब उनके माता पिता नज़दीक होते हैं तो वो पढ़ाई करने का दिखावा करते हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जो ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए और अपने माता पिता की आंखों से उन्हें छिपा देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे मानमिन के विद्यार्थी ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत बार विद्यार्थी शारीरिक तौर पर पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनका दिमाग दूसरे विचारों से भरा होता है, जैसे कि मैंने और मेरे दोस्त ने कल कहीं बाहर जाने का निर्णय लिया था और हम कुछ स्वादिष्ट खाएंगे, मुझे क्या पहनना चाहिए और हमें कहाँ मिलना चाहिए। निसंदेह ऐसे विचार विद्यार्थियों को पढ़ाई से भटकाते हैं, मुख्य तौर पर जब उनके दोस्त विपरीत लिंग के होते हैं, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। यदि ऐसा मामला है तो निश्चय ही पढ़ाई पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा। मैं ऐसा बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु जब एक बार विद्यार्थी अपनी निगाहें बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पर लगा देते हैं तो पढ़ाई करने के लिए उन्हें कठिनाई होती है और ऐसे विचार बार बार उनके दिमाग में आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा ध्यान लगाने की कमी की वजह से है। अच्छे से पढ़ाई करने के भेद की तीसरी शर्त है बिना व्यर्थ के विचारों के पढ़ाई करना। यह कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हैं या कितनी देर तक अपने डेस्क पर बैठे। यदि आप ठीक प्रकार से ध्यान नहीं लगाते तो आप अच्छे से परिणाम नहीं पा सकते। बिना ध्यान दिए बहुत से दिन पढ़ने की बजाय ध्यान देकर एक दिन पढ़ना ज़्यादा लाभदायक होगा। व्यर्थ के विचारों से भरे हुए दिमाग के साथ पढ़ना ठीक उसी प्रकार से है कि कोई अनगिनत तीर चलाए लेकिन उसके निशाने पर एक भी नहीं लगता।
यदि आप ओलंपिक में तीरंदाजी टूर्नामेंट के बारे में सोचें तो साउथ कोरिया में इस श्रेणी में बहुत सी प्रतिभाएं हैं और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने तीरंदाजी में भाग लिया। लेकिन यदि खिलाड़ी की हालत अच्छी नहीं है या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इस वजह से खिलाड़ी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेशक इन ओलंपिक खिलाड़ियों ने ध्यान लगाने के लिए काफ़ी अभ्यास किया होगा ताकि वो असफल नहीं हों और ट्रैक पर बने रहें, फिर भी यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन्हें शोकग्रस्त कर देती है और वो इसके बारे में सोचते रहते हैं तो टूर्नामेंट के दौरान वो अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में तीर जो 100 नंबर पर पहुंचने चाहिए वो 80 नंबर तक ही पहुंच पाते हैं और खोए हुए पॉइंट्स को भी पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में खिलाड़ी घबरा जाते हैं और उनका दिमाग और शरीर भी, ये सब उनका ध्यान लगाने की कमी की वजह से है। ऐसी स्थिति में उनके लिए आसान नहीं होगा कि वो सीधा अपने लक्ष्य पर तीर चलाएं। यदि आप मेहनत से पढ़ने का दृढ़ संकल्प लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान लगाने की योग्यता बनानी होगी और बिना व्यर्थ के विचारों के पढ़ना होगा। यह सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही जरूरी नहीं परंतु सभा में उपस्थित जवानों के लिए भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि एक माध्यमिक स्कूल का विद्यार्थी प्रार्थना करते हुए कहता है कि पिता परमेश्वर मेरी मदद करो कि मैं सियोल नेशनल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने पाऊँ, तब क्या यह विद्यार्थी सियोल नेशनल विश्वविद्यालय में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए समय ठीक होना चाहिए। इस माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थी को पहले तो स्कूल में पास होना चाहिए और फिर विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए परीक्षा देनी होगी। इस प्रकार जब तक ठीक समय न आ जाए लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ कि सभी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा और जब तक उत्तर ना मिले ऐसा करते रहे। परंतु इस विद्यार्थी को किस तरीके की प्रार्थना करनी चाहिए? विद्यार्थी को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह सियोल विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। विद्यार्थी को सबसे पहले अपने हुनर और योग्यता को जानना जरूरी है और अधिक मेहनत करके पढ़ाई करें, तब पिता परमेश्वर निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे। विशेष तौर पर प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उस विद्यार्थी की बिना व्यर्थ के विचारों के पढ़ने में मदद करेंगे। इस प्रकार यह विद्यार्थी सियोल नेशनल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की योग्य हो जाएगा। उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर मेहनत और प्रार्थना दोनों के साथ मिलेगा। विद्यार्थी यदि वो केवल प्रार्थना करे लेकिन मेहनत ना करे तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा, और यदि कोई विश्वास करता है कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा तब उसे ये प्रार्थनाएं लगातार करनी चाहिए जब तक कि उसे उत्तर ना मिले, और मेहनत से पढ़ाई करके अपनी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए। संदेश को सुनते समय यदि लोगों के पास व्यर्थ के विचार होते हैं तो ऐसे में परमेश्वर उनकी उपस्थिति को ग्रहण नहीं करता, और प्रार्थना करते समय भी ऐसा ही है। तब हम किस तरीके से इन व्यर्थ के विचारों को दूर कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये व्यर्थ के विचार क्यों आते हैं। व्यर्थ के विचारों को बताने के लिए मैं दिमाग के कार्यों के बारे में बताऊंगा। ऐसे विचार जो पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें हम व्यर्थ के विचार कहते हैं। मुख्यतः ऐसे कौन कौन से विचार हैं जो हमारे मानमिन के विद्यार्थियों को पढ़ने में बाधा डालते हैं? आमतौर पर ये गेम्स, सेलिब्रिटीज से मिलना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और सांसारिक चीज़ें हैं, क्योंकि छोटे विद्यार्थियों को ऐसी चीज़ों का चस्का लग जाता है। इस प्रकार यह सबसे अच्छा होगा कि ऐसी सांसारिक चीज़ों को ना ही देखें, ना खेलें और ना इनमें शामिल हों। विशेष तौर पर माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के पास स्वयं को नियंत्रित करने की ताकत नहीं होती और ना ही वो स्वयं को सांसारिक चीज़ों में शामिल होने से रोक पाते। उदाहरण के लिए, यदि आप छोटे कोरियन विद्यार्थियों को किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ देखें तो वो किसी भी बात की परवाह नहीं करते, वो केवल अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ का अनुसरण करना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह अच्छा होगा कि विद्यार्थी सेलिब्रिटीज से मिलने के बजाय आत्मा से भरे हुए हों, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इन संसार की चीज़ों का चस्का लगा होता है।
तो इस प्रकार ये विद्यार्थी कैसे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? जब ये विद्यार्थी सेलिब्रिटीज़ का अनुसरण करते हैं तो वो केवल उनकी मीटिंग के बारे में ही सोचते रहते हैं, और जब विद्यार्थी अपने मित्रों से मिलते हैं तो वो और भी सांसारिक चीज़ों से प्रभावित होते हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो फिल्मों के बारे में भी ऐसे ही बातें करते हैं कि इस फिल्म में ये दृश्य कितना अद्भुत है। जो भी है, हमारे अधिकतर विद्यार्थी जानते हैं कि पिता परमेश्वर की इच्छा है कि हम सांसारिक चीज़ों से प्रेम ना रखें। यहूना 2 अध्याय 16-17 पद कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। दूसरे शब्दों में, जो संसार से प्रेम करते हैं वो पिता से प्रेम नहीं करते। मैं सांसारिक चीज़ों को दूर करने के लिए लगातार आपको संदेश देता रहूँगा, क्योंकि केवल यही एक ऐसा तरीका है कि आप पिता परमेश्वर के सच्चे प्रेम को समझेंगे और अनुभव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और परमेश्वर का संदेश पढ़ेंगे। बाइबल के वचन भी हमें बताते हैं कि किस तरीके से यह संसार शैतान और बुराइयों के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि आप शारीरिक विचारों को सोचने की कोशिश नहीं करते, तो भी ऐसे विचार क्यों बने रहते हैं? इसका कारण यह है कि आपने अपने जीवन में जो भी सांसारिक चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, वो पहले से ही आपकी भावनाओं के साथ आपकी याददाश्त में जुड़ी हुई हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो विपरीत लिंग में रुचि नहीं रखते, जैसे कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। वास्तव में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं, और जब मैं इन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से मिलता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कैसे कभी भी विपरीत लिंग के हाथों को नहीं थामा जबकि आप विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। यह इन विद्यार्थियों के माता-पिता की शिक्षा की वजह से था। यदि आप लड़की हैं तो कभी भी लड़कों के नज़दीक ना जाएं, और यदि लड़के आपके नज़दीक आएं तो उनसे बच निकलें। कभी भी उनके हाथों को ना थामें, ऐसा कुछ भी नहीं करें जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। और इन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ये शिक्षा अपने माता-पिता से पाई। इस प्रकार की बातों के साथ वो बड़े हुए। हालांकि कुछ माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि यदि लड़के आपके हाथ थामते हैं तो उन्हें थप्पड़ मारें। यदि बच्चे इस प्रकार की शिक्षाओं के साथ बड़े होते हैं तो वो विश्वविद्यालय में विपरीत लिंग के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। याददाश्त की गहरी समझ के लिए मुख्य संदेश पर वापस आते हैं। मैं संक्षेप में विचार के कार्यों को बताऊंगा। मनुष्य का दिमाग जिससे बना होता है उसे याददाश्त कहते हैं, और इसमें बहुत सी चीज़ें जमा होती हैं जो भी हमने जन्म के समय से देखा और सुना है। इस प्रकार की जानकारी विचार बन जाती है, और इस जानकारी से संबंधित जो भी आप देखेंगे और सुनेंगे यह दोबारा से आपके विचारों के रूप में आ जाती है। फिर भी हमारी भावनाओं का हमारी याददाश्त पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बीते समय में वास्तव में हमने क्या देखा और क्या सुना, ये सब कुछ हमारी याददाश्त में शामिल हो जाता है।